सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। बात यह है भाई, मेरी बेटी भी बॉस के सानिध्य में रह के MBBS डॉक्टर बन गई थी 2 साल पहले, और मैं 18 जून 2018 को बॉस के पास गया था। बरसात हो रही थी अच्छी ही। ये मेरी धर्मपत्नी है, ये बोली इंद्र देवता मतलब प्रसन्न हो गए आज तो। वो बस इंद्र देवता शायद प्रसन्न ही हो गए थे, उसका एडमिशन भी हो गया। वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे घर में ही है। शिक्षा, संस्कार, सफलता, सुरक्षा, सारी बातें हैं वहाँ पे। और मैं सभी भाइयों को एक बात की जानकारी दे देता हूँ, एक ही गांव से 23 बच्चे हैं आज वहाँ पे, एक ही गांव से। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। गांव का नाम बोलो। मुंडाल गांव है। और आशा करता हूँ कि अब की बार ये संख्या 50 हो जाएगी एक ही गांव की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोस जी का तो आप बार 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 प्रकट करता रहता हूँ। मतलब भीलवाड़ा भी गया, वहाँ भी मैं आपके साथ था, यहाँ भी आपके साथ हूँ। और अब आजा बोल बोल ना, क्या मेरी पत्नी है भाई, बोलेगी 2 मिनट। जैसी अलसी मतलब वहाँ की सुरक्षा और संस्कार के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि एक बेटी की माँ को ही पता चलता है कि उसकी सुरक्षा के लिए मतलब कितनी टेंशन होती है। लेकिन वहाँ एक महीना छोड़ने के बाद ये पता चला कि वो घर में ही है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। और सर एक बात और मैं जरूर आपके बारे में ये कहना चाहूँगी, आपके माता पिता ने आपका नाम श्रवण रखा हो, जो जो परिभाषा आपने मतलब इस नाम की दी है ना, शायद ही कोई दे सकता है। क्योंकि आप बच्चे के सिलेक्शन से पहले उसके अभिभावक को सिलेक्टेड करते हैं। और एक द्वापर युग में मतलब महाभारत हुई थी जो हथियारों की थी, और एक आज कलयुग में जो कलम की महाभारत चल रही है उसका मतलब जिस रथ का सारथी श्रवण चौधरी जो हो उसके पार्ट को कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है और जो आपकी स्पीच है, जो आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वो किसी ज्ञान गीता से कम नहीं है। हारे हुए पार्थ को जो आप कृष्ण ने जिताया था, एक हारे हुए बच्चे को आपका मोटिवेट बिल्कुल, अगर उस बच्चे में थोड़ा बहुत 20% अगर जुनून है तो उसको 100% आप करते हो। जय श्री जय। थैंक यू। राहुल जी आप बोले। मेरा नाम राहुल है। मैं तो आप सभी को एक ही बात कहूँगा, CLC के बारे में सभी ने बताई। मैं, आप और हम सब 99% लोग मिडिल फैमिली से भी नीचे हैं। मिडिल में भी 3 कैटेगरी होती हैं, लो, मिडिल और अपर। हम लोअर मिडिल कैटेगरी के लोग लगभग यहाँ आए हुए हैं। हमारी मेरी छोटी बहन साधना, जिसका MBBS में CHKM हरियाणा में जो सरकारी कॉलेज है उसमें एडमिशन हो रखा है। हम सब के बच्चे, हमारे भाई बहन, जिस घर से वो हमारी बहन आज MBBS में सिलेक्टेड है, हम सबके भाई बहन उतने टैलेंटेड जरूर होंगे जैसा श्रवण जी, जिनको हम बॉस कहते हैं, उन्होंने बताया। सभी बच्चों में टैलेंट होता है, लेकिन उनको एक दिशा मिलने की बात होती है। साथियों, हमारी बहन का एडमिशन हमने CLC सीकर में करवाया। पहले साल उनकी रैंक थोड़ी कम आई, उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। प्राइवेट कॉलेज में 30-40-50 लाख रुपये डोनेशन लग के एडमिशन होता है, और उसकी वो डिमांड भी नहीं रहती, वो उसमें वो बात नहीं होती जो सरकारी इंस्टीट्यूट में MBBS करे हुए बच्चे में होती है, जो उसकी आगे डिमांड होती है। दूसरे साल फिर हमारी बहन ने वहीं कोचिंग ली। मैं जब भी सालासर जाता हूँ तो अभी मेरे 2 भाई चाचा के लड़के, गांव से 23 बच्चे हमारे वहाँ रहते हैं, मैं सबसे मिल के आता हूँ CLC जाकर। हमारी बहन ने दूसरे साल फिर कोचिंग ली। इतना बर्डन मेंटली उनके दिमाग उसके दिमाग में रहता था, रात को सो नहीं पाती थी, घरवाले फोन करते थे, वो रोती रहती थी। लेकिन जब हफ्ता 10 दिन में बॉस उनकी क्लास लेते थे, मोटिवेशन क्लास, जैसे हम सबको अब मोटिवेट कर रहे थे, उससे अगले दिन जब हमारी बात होती थी तो वो खुश मिलती थी। हम पूछते थे आज ऐसा क्या हुआ, वो कहती थी कल बॉस ने कुछ सुनाया, जैसे कोई उदाहरण, जैसे अब हम सबके बीच में दे रहे थे। तो एक मोटिवेट, इन्होंने केवल पैसे से मतलब नहीं है, 15,000 बच्चे हैं वहाँ पे, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। प्रोफेशन के तौर पे देखें तो ये कहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन एक गार्डियन की तरह जो ये रहते हैं, सुबह उठ के हनुमान चालीसा, हम देसी भाषा में जिसको प्रार्थना बोलते हैं, असेंबली वो होती है शाम को, इतने अच्छे संस्कार। मैं इनका बार बार इनकी संस्था को नमन करता हूँ। हमारे गाँव में हमारी बहन का 3री डॉक्टर है, वो MBBS की,
और आने वाले 4-5 साल में भिवानी जिले में सबसे ज्यादा डॉक्टर और इंजीनियर मुंडाल गांव के होंगे। ये मैं आप सबको आज बड़े गर्व से कहता हूँ, क्योंकि इस साल लगभग 50 बच्चे हमारे गाँव से वहाँ हो जाएंगे। 23 अभी है। धन्यवाद। जय हिंद। जय सी एल सी।